हेलो एवरीवन, कल है विजयदशमी। तो आज मैं एक ऐसे पौधे के बारे में आपको बताने वाली हूँ जो विजयदशमी में लगाना इतना ज़्यादा शुभ माना जाता है और इसके आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। ये है शमी पत्र का पौधा और ये हिंदू धर्म में लगाना काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप आने वाली विजयदशमी में आप इस पौधे को लगाइए, और अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो किसी भी शनिवार को आप इस पौधे को लगा सकते हैं। तो आज के दिन आप इस पौधे को ला सकते हैं। आज है दुर्गा अष्टमी। इस पौधे को आपको कैसे पहचानना है कि कौन सा नकली शमी पत्र और कौन सा असली शमी पत्र होता है, तो आज मैं आपको इसकी पहचान बताऊंगी। शमी पत्र की जो पत्तियां होती हैं बहुत ही ज़्यादा ग्रीन नहीं होती हैं, हल्का डार्क शेड होता है इनका ग्रीन में। तो जो डार्क शेड ग्रीन पत्तियां हो उसी को आप पौधे को लेना है। और इसमें जो फ्लावर आता है ऊपर पिंक और नीचे इसका जो शेड होता है वो होता है येलो। तो इस तरह से इसका जो फ्लावर होता है वो असली शमी पत्र की पहचान होती है। शमी पत्र का जो तना होता है वो काफ़ी खुरदरा होता है। इसकी जो स्टेम होती है बिल्कुल भी चिकनी नहीं होती है, तो इससे भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं। इसके एक पौधे से कई पौधे बनकर तैयार हो जाते हैं। इसको कभी भी कटिंग से नहीं लगाना चाहिए, इस पौधे को हमेशा खरीद कर ही लाना चाहिए। जब एक पौधा आप लगा लेते हैं तो उसी से छोटे छोटे आसपास पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं, तो एक पौधे से बहुत सारे पौधे भी तैयार हो जाते हैं। इस पौधे को सीढ़ियों के पास बिल्कुल नहीं रखना चाहिए और इसको गंदे स्थानों पर भी बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस दिशा में आपको इसको लगाना है। इसको हमेशा दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए अगर धूप नहीं आती है तो। उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में भी आप लगा सकते हैं, इससे भी आपके घर में सुख समृद्धि आती है। इस पौधे की पत्तियों को कभी भी शनिवार या मंगलवार को नहीं तोड़ना चाहिए। इसकी पत्तियों को शिव भगवान पे, विष्णु भगवान पे और गणपति जी पे चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसकी पत्तियों को हमेशा 11, 21 या 31 की गिनती में ही चढ़ाना चाहिए शिव भगवान पर। जब भी इस पौधे को लगाएं तो हमेशा मुख्य द्वार पे लगाएं। ऐसे लगाएं कि जब भी आप निकलें तो ये हमेशा आपके दाईं ओर पड़े, कभी भी बाईं ओर आप इस पौधों के बिल्कुल ना लगाएं। ऐसा माना जाता है इस पौधे को विजयदशमी या शनिवार पे लगाने पे शनि भगवान की विशेष कृपा होती है, इसमें माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। ऐसा माना जाता है कि विजयदशमी पे इस पेड़ की पूजा करने पे ही श्री राम को लंका पर विजय प्राप्त हुई थी। तो विजयदशमी पे इसका पूजन करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप इस पौधे को लगाते हैं शनिवार के दिन, इस पौधे के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए, इससे बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि आती है। शनि भगवान की बहुत ही ज़्यादा कृपा होती है, उनका कुप्रभाव हमारे ज़िंदगी पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप शिवलिंग को भी शमी पत्र के नीचे रख सकते हैं, इससे शनि की छाया आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो शिव भगवान को शमी पत्र के नीचे ज़रूर रखना चाहिए। इसके फूलों को शिव भगवान पर चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसे आप हरा भरा कैसे रख सकते हैं, इसे स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको दे देती हूँ। इसको हमेशा मिट्टी वाले गमले में ही लगाना चाहिए। इसके पौधे में हमेशा नमी बनाए रखनी चाहिए और जब सर्दियाँ हो तो टाइम टाइम पर इसकी गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए। इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ फुल सनलाइट आती हो, या 3-4 घंटे की सनलाइट इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। गर्मियों में इसमें नमी ज़रूर बनाए रखें, और बरसात का पानी अगर इसके गमले में भर जाए तो उसे ज़रूर निकाल के फेंक दें। इस पौधे को कभी भी केमिकल वाली खाद या किसी भी तरीके की छिलकों की खाद बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। इसे गर्मियों में सुबह शाम पानी दें, इससे ही बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। और सर्दियों में एक बार और बरसात में जब इसकी मिट्टी गीली ना हो तभी आप इसे पानी दीजिए, तब भी ये पौधा बिना किसी केयर के बहुत ही कम केयर में चलने वाला पौधा होता है। बहुत ही कम केयर में ही बहुत ही अच्छे से चलेगा पौधा, बस इतना ही ध्यान रखना है इस पौधे का। विजयदशमी के दिन इसका पूजन करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसका पूजन करने के बाद अपने घर में मौजूद सभी बच्चों को तिलक जरूर करने लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है तिलक लगाने के बाद आपके बच्चों की विजय निश्चित हो जाती है। तो इसका पूजन करने के बाद आपके घर में जो भी बच्चे मौजूद हैं उनके तिलक जरूर करना चाहिए आज के दिन। ये तो ही शमी पत्र के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए।